ऐसे ऐसे बेवकूफों के लिए ये चीज नहीं है। जो ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं उनसे तो हम भागते हैं 500 मील की स्पीड से, लेकिन अगर कोई वाइज आदमी हो तो उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है। जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, धीरे धीरे आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आपको समझ लीजिए, आप पैदाइशी ही पार है, आप इस शक्ति से प्लावित है और आप पैदा आए, लेकिन तो भी आप नहीं जानते कि कौन सी उंगली में अगर चमक आए तो क्या मतलब होता है। बहुत से लोग कहते हैं, बाबा मैं तो कहीं नहीं जाती, मेरे हाथ में पता नहीं क्यों जलन सी आने लग जाती। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जानती वो, कौन से चक्र हैं, कौन सी उंगली है, उसका क्या मतलब होता है, हर एक चीज का क्या मतलब होता है, उसका इलाज क्या है, उसका निदान क्या है, कुंडलिनी को कैसे उठाना चाहिए, उसकी कौन सी तकलीफें हैं, किस किस तरीके से कुंडलिनी अटकी रहती है, किस तरह से हर तरह की कुंडलिनी को ऊपर उठाया जा सकता है और किस तरह से उसको स्थिर करना चाहिए, उसको जमाना चाहिए, किस तरह से सारे संसार में इसके धीरे धीरे धागे किस तरह से बांधने चाहिए, ये बड़ा भारी ज्ञान है। इसको बताने के लिए कोई तो इंसान चाहिए कि नहीं? इसीलिए इसको बताने ही के लिए हम इस संसार में आए, क्योंकि हम जानते हैं सब। आप जब हमसे आगे मिलेगा तो आप समझिएगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं। किताब ताब हम नहीं लिखते, लेकिन जानते बहुत हैं, और ये भी जानते हैं कि आप लोग भी इसको जान सकते हैं, और हर एक चीज को आपको बताने वाले हैं। गुप्त से गुप्त चीज कोई हुई, सारी बातें आपको बताकर इसकी हम मास्टरी करा सकते। यहां ऐसे बैठे हुए बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग बैठे आपके बीच में, साधारण कपड़े पहनते हैं, वो कोई सींग लगा के नहीं घूमते कि भगवे वस्त्र पहन करके साहब हम बड़े एक दंडे आए हुए हैं सन्यासी किधर से। जो असल होता है उसको क्या जरूरत है कि वो अपने इश्तहारात लगाते बैठे। सूरज होता है, वो कोई इश्तहार लेके चलता है कि मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं, अरे वो सामने दिखाई दे रहा कि सूरज है। इसी प्रकार ये घटना अंदर की है, बाह्य की नहीं, बाहर की नहीं। हाँ, लेकिन बाहर ऐसे इंसान के मुख पर तेज आ जाता है, उसकी प्रकृति में शांति आ जाती है, उसके अंदर की जो कुछ आते हैं अपने आप छूट जाती हैं, प्रेममय हो जाता है उसका स्वभाव, चंचलता से हट जाता है, आराम से वो सोता है, परमात्मा के राज्य में आनंदमय रहता है, कभी बोर नहीं होता, वो दूसरे को दुख नहीं देता है, सबको सुख देने में संलग्न होता है और आनंद विभोर रहता है हर समय, हमेशा वर्तमान प्रेजेंट में रहता है, किसी को परेशान नहीं करता है, उसकी जो भी इम्परफेक्शंस है उसको करेक्ट करते रहता है हर समय, जो भी उसकी कमियां हैं उनको ठीक करते रहता है, उसकी शारीरिक कमियां, उसकी मानसिक बौद्धिक सब वो ठीक कर सकता है, अपनी भी और दूसरे की भी, और परमात्मा का सच्चा अर्थ वो समझता है अपने अंदर, और उसके अंदर से इस परमात्मा की शक्ति की जो चालना होती है जब बहने लग जाता है तो उसके हाथ से अनेक कार्य ऐसे हो जाते हैं कि जिसपे आश्चर्य होता है, जैसे कि एक उंगली ना घुमा दी तब परमात्मा का चमत्कार देखने को मिलता है, जो असली चमत्कार है। इस तरह का नहीं कि अंगूठी उठा के आपको पकड़वा दे, ऐसे फालतू चमत्कार में जिसकी श्रद्धा हो उनका यहां कोई काम नहीं है। जो मनुष्य सच्चा होता है वो परम की बात करता है, ये पत्थरों की बात नहीं करता, सच्चाई की बात करता। उसके अंदर फिर कोई टेम्पटेशन नहीं रह जाता, उसमें अंदर धर्म अपने आप जागृत हो जाता है, अपने धर्म में संतोष पाता है वो, उसके अंदर लक्ष्मी की भी कृपा होती है। लक्ष्मी की मैंने कहा पैसे की नहीं, लक्ष्मी और पैसे में बड़ा ही अंतर होता है।
अनेक उसके फायदे होते हैं, उसके बारे में अब कल से जो सेमिनार होगा उसमें मैं सारे डिटेल्स में बताऊं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा होता है कि मनुष्य अपने बारे में ये जान जाता है कि उसका अर्थ क्या है, वो इस संसार में क्यों आया है। वो ये जान जाता है कि वो एक साधन है जो परमात्मा के हाथ में खेल रहा है। जैसे कि एक आर्टिस्ट के हाथ में एक कुंचली या उसका ब्रश खेलता है, उसी तरह से मनुष्य बन जाता है और उसके अंदर से ये शक्ति अव्याहत बहती रहती। उसके बाद फिर ओछी बातें, जड़ बातें, छोटी बातें सब गिर जाती है। फूल से आप फल हो जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं। आपकी प्रायोरिटीज, मूल्य अमूल्य आपके बदलते हैं। किस चीज को महत्व देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए अपने आप ही घटित होने लगता है। फिर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। आप कोई सा भी गलत काम करें फौरन आपको पता हो जाएगा कि मैंने गलत काम किया है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, हाथ में फौरन आपके उंगलियां आपकी काटने लग जाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा, जिंदगी का मजा आने लग जाता है। सबसे पहले जो चीज होती है कुंडलिनी के जागरण से, जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र को छेद देती है, कल मैं आपको सब बताऊंगी ना चक्र वक्र कौन से हैं, अपने अंदर क्या क्या है वो सब कल बताओ। लेकिन जब आज्ञा चक्र को कुंडलिनी छेद देती है उस वक्त आप में निर्विचारिता आ जाती है, आप विचारों के बीच में आ जाते हैं। तो एक तरफ से आपके गत विचार हैं जिससे आप कंडीशन हैं या आपका पास्ट है, और एक तरफ से आपके फ्यूचर के विचार हैं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं कि कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। इन दोनों को बीचों बीच आप आ जाते हैं, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में कोई भी विचार नहीं होता। आप जागरूक हैं, आप अवेयर हैं, लेकिन आप निर्विचार हो जाते हैं। जैसे ही कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र को छेद देती है वैसे आपके अंदर से यह शक्ति बहने लग जाती है। यानी पहली मरतबा आपके अंदर से आत्मा की जो ये चैतन्य शक्ति है वो आपके अंदर से इस तरह से बहने लगती है कि आपकी जो नर्व्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो चेतना शक्ति का स्रोत है, वही शक्तिमय होकर के आपको बताता है। अभी तक आपके लिए सिर्फ यह हाथ मात्र था, उसके बाद में आपके हाथ से ही वो शक्ति बह करके आपको बताती है। आप स्वयं ही उसके इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, आप ही उसको चलाने वाले हो जाते हैं और आप ही उसको जानने वाले हो जाते हैं। अभी तक मनुष्य की चेतना में, माने जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, या कहना चाहिए कि मज्जा तंतु की, जो हमारी आज तक की उत्क्रांति हुई है, इवोल्यूशन हुई है, उसमें एक नई चीज आ जाती है, नया आयाम, नया डायमेंशन आता है, जिसके कारण हम ये महसूस करने लग जाते हैं, ये हम फील करने लग जाते हैं कि हम एक खोखली चीज है और हमारे अंदर से कोई ट्रेमेंडस पावरफुल शक्ति जो कि प्रेममय है बहने लग जाए। इसके लिए कोई आपको ब्रेन वॉश देने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई आपको समझाने की जरूरत नहीं होती। हमारे यहां मेरी नातिन है, 2.5 साल की है, वो पैदा ही पा रहे हैं, चारों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा पा रहे हैं, मेरे बच्चे नहीं है लेकिन वो है, और वो उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। अभी एक इंग्लैंड में एक सहयोगिनी आई थी, उसने उसे पूछा इतनी सी है 2.5 साल, मेरा क्या पकड़ा, तो उसे कहने लेफ्ट विशुद्धि और लेफ्ट नाभि और विशुद्धि तुम्हारी पकड़ी हुई है। वो हैरान हो गए, उसने कहा कि मैं ठीक करती हूँ तुम्हारे। जो बच्चे आजकल बहुत से संसार में आ रहे हैं, जो कि कोई विशेष तरह के बच्चे दिखाई देते हैं, वो असल में पार बच्चे हैं, बहुत बड़े बड़े जीव संसार में आ जा रहे हैं, और उनको समझने के लिए जरूरी है कि आप भी पार हो जाइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे कि ये कहाँ की परकट उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप कहेंगे पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है बच्चे।
और वो जो भी करते हैं वो सहयोग करते हैं। आपके पीठ पे चढ़ जाएंगे, आपकी विशुद्धि को मारेंगे, हमेशा बंदूक लेकर ठा 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 आपकी वीकनेसेस मारते रहेंगे। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।